Good afternoon, students. Welcome back to online classes of science subject. In a previous class, what we learn? We learn about the structure of teeth. What structure of teeth? Previous class में हमने teeth के structure के बारे में पढ़ा था. Now we are going. Our next topic is taking care of teeth. Taking care of teeth. So all of you know that the teeth is the most important part in our body. So our teeth helps to break the food into a small pieces. Our teeth helps to break down food into a small pieces. What is the use of teeth? हम क्या करते हैं उससे अपने food को ब्रेक डाउन करते हैं. सो टीथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, है ना. हम जितना ज्यादा अच्छे से चबाएंगे उतना आपका वो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है. सो टीथ इज इम्पॉर्टेंट एंड सो इट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गुड केयर ऑफ अवर टीथ. टीथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी अच्छे से केयर करना, गुड केयरिंग इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. ये केयर करना आपको बहुत जरूरी है. सी इन टुडे टॉपिक वी आर लर्न अबाउट हाउ टू टेकिंग केयर ऑफ टीथ. इन टुडेज टॉपिक वी आर लर्न अबाउट हाउ टू केयर यूर अवर टीथ. ओके, सो फर्स्ट व्हाट हैपन व्हेन यू ईट अ टीथ. ओके, हम ये प्रोसेस देखेंगे कि हम फूड खाने के बाद वो कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होती है वो हम देखने वाले हैं. ओके, सो व्हेन वी ईट अ फूड और व्हेन वी ईट अ सम फूड्स देन द स्मॉल बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स इज स्टिक ऑन यूअर टीथ. मतलब कि आप जो फूड इंटेक करते हो वो फूड के पार्टिकल्स वो दांत में कहीं अटक जाते हैं या चिपकते हैं. ओके, व्हेन यू इंटेक ऑफ सम स्मॉल बिट्स ऑफ फूड देन द फूड रिमेनिंग इन योर माउथ. मतलब जब आप खाना खाते हो तो उसका थोड़ा सा बचा हुआ जो फूड का पार्टिकल रहता है वो आपके दांत में चिपक जाता है या अटकता है, है ना. वो आप प्रॉपरली वॉश न करने के कारण या ब्रश न करने के कारण वो खाया हुआ खाना आपके दांत में कहीं चिपक जाता है या अटक जाता है. सो देन व्हाट हैपन देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फूड देयर जर्म्स आर फॉर्म देयर जर्म्स आर अटैक इन दोज पार्टिकल्स पे अटैक करते हैं फीडिंग दोज पार्टिकल्स. वो जर्म्स जो है वो उस पार्टिकल को खाने के लिए बाहर तैयार होते हैं. जो भी आप खाना खाते हो वो उसका कुछ बचा हुआ खाना आपके दांत में क्या होता है, अटक जाता है या चिपक जाता है, रह जाता है वो आपके टीथ पर. तो वो जो है वहां फिर टीनी जर्म्स टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स वो वहां खाने के लिए आते हैं. जो भी आपका बचा हुआ खाना वो आपके दांत पर चिपकता है वो खाने के लिए वो जर्म्स आते हैं. सो नेक्स्ट क्या होता है, सी हियर जर्म्स स्टार्ट फीडिंग ऑन द रिमेन्स ऑफ दिस फूड. जर्म्स स्टार्ट फीडिंग ऑन द रिमेन्स ऑफ द फूड
जर्म्स जो है वो फीड करने के लिए वहां वो बचा हुआ खाना खाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन, दिस शुगर कंटेनिंग फूड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एसिड, और जो जर्म्स लगते हैं तो वो वहां वो जर्म्स लगने के कारण शुगर कंटेनिंग फूड होता है ना, हमारे फूड में शुगर रहता है ये आपको पता है। सो वो शुगर कंटेनिंग फूड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एसिड, क्या फॉर्म करते हैं वो जर्म्स जो है वो एसिड फॉर्म करने लग जाते हैं, है ना, वहां अपने दांत में एसिड फॉर्म होने लगता है। देन दीज एसिड स्टिक योर टीथ एज अ पेस्ट लाइक मटेरियल, एंड दीज एसिड स्टिक योर टीथ एज अ पेस्ट लाइक अ मटेरियल, मतलब कि वो आपके दांत में पेस्ट लाइक मटेरियल जो एसिड होता है उसकी लेयर जम जाती है, वहां पेस्ट लाइक मटेरियल फॉर्म हो जाता है, वो वही परमानेंटली स्टिक हो जाता है। ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाक बोलते हैं। एसिड मतलब आपको समझा कि वो जर्म्स वहां अटैक होने के बाद एसिड फॉर्म करने लगते हैं, और जो पेस्ट लाइक मटेरियल जो स्टिक हुआ रहता है एसिड, सो उसको वो हम फ्लाक बोलते हैं। ओके, नाउ द फ्लाक कैन बिकम द इनेमल, आपको पता है इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मतलब इनेमल जो है वो आपके बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, एंड दिस फ्लाक इज स्टिक ऑन योर इनेमल, एंड देन दिस फ्लाक बिकम द इनेमल, इनेमल को क्या करता है वो वीक बनाता है, क्या करता है वो अपर हार्ड पार्ट को इनेमल को क्या करता है वो वीक करने लगता है फ्लाक, और मेक अ स्मॉल होल्स, और आपके दांत में जो है वो होल्स फॉर्मेशन होता है, होल्स पहले स्मॉल होल्स फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि वो प्लाक जो है वहां चिपक कर रहता है और वहां जो इनेमल को है वो बीकन बनाता है, बीक करता है, और वहां धीरे धीरे स्मॉल होल फॉर्मेशन होता है, तो उसको उस होल को हम कैविटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं, होल को हम कैविटी बोलते हैं। आपने टीवी एडवर्टाइज में भी देखा होगा कितने सारे कोलगेट की, टूथपेस्ट की, क्लोजअप की एड दिखाते हैं, तो वहां दिखाते हैं कि कैविटी कैसे फॉर्म होती है ना, आपने देखा होगा ना एड में, हमेशा एड आती है कि आपकी टीथ को कैविटी जो है वो कैसे खराब करती है। ओके, तो कैविटीज एक बार होने के बाद देन द कैविटीज इज गोइंग बिगर एंड बिगर, वो कैविटीज बाहर जम्स लगने के कारण बिगर बड़ी बड़ी होती जाती है, पहले वो स्मॉल रहती है, फिर वो क्या हो जाते हैं, वो जो होल है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां कंटिन्यूसली जो जर्म्स है वो ज्यादा वहां ही अटैक करते हैं, क्यों ज्यादा वहां अटैक करते हैं, क्योंकि आपका खाया हुआ खाना वहां क्या हो जाता है, जम जाता है ना, खाया हुआ खाना वहां जम जाता है उस कैविटी में, वहां है ना जहां होल होता है वहीं वो खाना जो है वहां ज्यादा अटके हुए रहता है, तो वहां जर्म्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और वो कैविटी जो है वो बड़ी बड़ी, वो होल जो है वो बड़ा बड़ा होता है। ओके, ये ऐसे जर्म्स जो है वो अपने टीथ पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इफ यू हैव सीन इन योर टीथ दिस कैविटीज, जो मैंने आपको बताया कि कैविटी कैसे फॉर्म होती है, अगर आप आपके दांत में अगर ऐसी कैविटीज फॉर्म होती हो तो आप उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले कहा जाते हैं डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिर वो डेंटिस्ट जो है वो कैविटी जो है वो क्या कर देता है, फिलअप कर देता है, ताकि उसको वहां जर्म्स ज्यादा ना लगे, आपका फूड जो है खाया हुआ खाना वहां ना अटके रहे। तो ये उसकी क्या थी, ये प्रोसेस थी कि कैसे एसिड कैसे फॉर्म होता है, प्लाक कैसे फॉर्म होता है, और कैविटी कैसे होती है। ओके, हम अपने
अपने नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, कौन सा, हाउ टू टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ, मतलब आप अपने टीथ का कैसे ख्याल रखोगे, ये हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो ये आपको जंग जो है वो क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है, वैसे मैं आपको इस क्लास में पढ़ाई हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।